ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया, जिससे मिलने पीएम मोदी ब्रुनेई पहुंच रहे हैं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के पहले हफ्ते में ब्रुनेई और सिंगापुर का दौरा करने वाले हैं। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। ब्रुनेई के सुल्तान ने पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा था। ब्रुनेई के बाद पीएम मोदी सिंगापुर भी जाएंगे। ब्रुनेई एशिया का एक छोटा सा देश है, जिसे 1984 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी। ये देश अक्सर अपने सुल्तान की लग्जरी लाइफ की वजह से सुर्खियों में रहता है। ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया की गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती है। इस सुल्तान की रईसी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने रहने के लिए जो महल बनवाया है उसकी कीमत लगभग 2,250 करोड़ रुपए है। सोने से जड़े इस महल का नाम इस्ताना नरूल ईमान पैलेस है। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार सुल्तान के इस महल को दुनिया का सबसे बड़ा महल माना जाता है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। 20 लाख वर्ग फीट के बड़े इलाके में फैला उनका महल साल 1984 में देश की आजादी की याद में बनाया गया था। भारत ब्रुनेई के साथ मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करता है। इसमें रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिक, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ब्रुनेई भारत के एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत के लिए उसके दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। G20 के बाद और ब्रिक्स के बाद और SCO के बाद एक नए किस्म का प्लूरिलेटरल एक यू नो मैकेनिज्म इवॉल्व हुई है, जो एब्सोल्यूट मल्टीलेटरलिज्म को छोड़कर और इंटायरली बायलेटरल को छोड़कर एक नए प्लेन पर जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन का रास्ता खोजती है। और जैसा मैंने कहा कि साउथ ईस्ट एशिया का आसियान इनिशिएटिव ये सबसे सफलतम मल्टीलेटरल एंड प्लूरिलेटरल इनिशिएटिव रहा है 60 के दशक से शुरू होकर के। बल्कि कह सकते हैं कि आसियान और EU ये दोनों ऐसे इनिशिएटिव थे जो समय से आगे थे। अब EU का तो मैं नहीं बात कर पाऊंगा, लेकिन आसियान को एक बहुत सफल रीजनल मल्टीलेटरल प्लूरिलेटरल इनिशिएटिव माना जाता है। और आपको ताजुब नहीं होगा कि जैसा मैंने कहा कि हिज मैजेस्टी बीइंग द लॉन्गेस्ट रेनिंग सॉवरन ऑफ द वर्ल्ड, इनका आसियान में एक सीनियर स्टेट्समैन का दर्जा है। हिज मैजेस्टी वाज अनॉइंटेड वाज क्राउन्ड इन 1968। He was appointed as a monarch in 1967. तो आप देखें कि सन 67 और 68 से आज तक उन्होंने जियोपॉलिटिकल मध्यस्थता की है और जियोपॉलिटिकल फोरम पे प्रतिनिधित्व किया है। हिज मैजेस्टी 1992 से लेकर आज तक चार बार हिंदुस्तान जा चुके हैं, तो उनके अपने व्यक्तित्व में वो सारे दशक समाये हुए हैं। और वो कहीं ना कहीं ब्रुनेई के आसियान और आसियान की जो सारी मैकेनिज्म्स हैं उनके चिंतन में, विचार विनिमय में वो एक अव्वल दर्जा रखता है। इसके अलावा ब्रुनेई जो ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का जो मलय सांस्कृतिक पक्ष है, जिसको आप मलेशिया का मलयन फेडरेशन कहें, और ये भी अपने जो यहाँ की जो ऑफिशियल स्टेट फिलॉसफी है ब्रुनेई की, वो मेलायु इस्लामिक दिराजा उसको कहा जाता है। जैसे मैंने कहा दिराजा, अगेन यू नो हमारा संस्कृत का इसमें वर्ड आता है, तो उसमें मलयन कल्चर को प्राथमिकता दी गई है, उसके बाद इस्लामिक स्टेट है। तो ये एक जो मलयन फेडरेशन है, एक जो मलयन कल्चरल डोमेन है, उसमें फिर से ब्रुनेई की बात अग्रणी रहती है, प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि बोर्नियो द्वीप की जो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड डिस्टिंक्टिवनेस है, उसकी भी एक आवाज़ कहीं ना कहीं ब्रुनेई रखता है। तो इसको जब हम हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से कंबाइन करते हैं, तो जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में भारत की आवाज़ एक मल्टीलेटरल फोरम पे उभर के आई है एज अ ग्लोबल ट्रबल शूटर एंड ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्वर, द कन्वीनिंग पावर ऑफ इंडिया और बीइंग एबल टू ब्रिंग पीपल ऑन टू अ टेबल
फॉर अ डिस्कोर्स एंड एक्सचेंज शुड देयर बी एनी जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस. तो आपने देखा कि इस समय विश्व में किसी भी ज्योग्राफी में आप देखें कि उसमें रिफ्ट्स हैं, देर आर एक्सचेंजेस, देर आर डिफरेंसेस, और ये कहीं ना कहीं G20 में उभर कर आ रहे हैं, रीजनल फोरम्स में आ रहे हैं, आसियान में आ रहे हैं, और इसको लेकर कहीं ना कहीं ये हमारी लीडरशिप के बीच में एक घनिष्ठता बनी है. पिछले साल आपने देखा भारत से पहले G20 की जो अध्यक्षता थी वो इंडोनेशिया ने की थी, तो उसमें फिर से साउथ ईस्ट एशियन, एशियन, ईस्ट एशिया, कुल मिलाकर के एक ग्लोबल जो पॉलिटिकल जो नैरेटिव बन रहा है उसमें एशिया की रिप्रेजेंटेशन, साउथ एशिया का रिप्रेजेंटेशन, साउथ ईस्ट एशिया की थिंकिंग वो फैक्टर इन हो रही है. और इस सब के मद्देनजर भारतवर्ष और ब्रुनेई की ये जो लीडरशिप है और ये जो कमिंग टुगेदर है, ये कहीं ना कहीं हमारे जियोपॉलिटिकल पटल पर भी इसका हमको असर देखने को मिलेगा.